शाहरुख खान के फिल्म जवान को रिलीज हुए अभी चंद दिन हुए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जवान के बिजनेस को खराब करने के लिए पायरेटेड कॉपी मार्केट में निकाल दी गई है। अब शाहरुख खान की कंपनी ने इस पर सख्त कार्यवाही की है। आपको बता दें कि बॉलीवुड काफी समय से पायरेसी करने वालों से परेशान है। फिल्म जैसे ही रिलीज होती है उसकी रिकॉर्डिंग करके पायरेटेड कॉपी मार्केट में उतार दी जाती है, जिसके कारण फिल्म का बिजनेस तो खराब होता ही है, साथ ही दर्शकों का भी एक्सपीरियंस खराब होता है। अब यही परेशानी जवान को भी झेलनी पड़ रही है। जवान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इस बार मामले को जाने नहीं दिया और तुरंत एक्शन लिया। डीएनए रिपोर्ट की माने तो प्रोडक्शन कंपनी ने जवान को ऑनलाइन लीक करने वाले लोगों और ग्रुप पर नजर रखने के लिए कई एंटी पायरेसी एजेंसियों को हायर किया है। मेकर्स ने जवान को लेकर एंटी पायरेसी याचिका दायर की थी, बावजूद इसके फिल्म कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लीक हो गई है। एंटी पायरेसी एजेंसियों को काम पर रखने के साथ साथ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पायरेसी में शामिल लोगों के खिलाफ सांता क्रूज वेस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है। प्रोडक्शन हाउस ने जानकारी दी कि वो पहले ही उन पायरेटेड अकाउंट्स को ट्रैक कर चुके हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। जवान का पायरेटेड कंटेंट बेचने के लिए इन अकाउंट्स को चलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। पायरेसी एक बड़ा मुद्दा है जो बॉलीवुड लंबे समय से झेल रहा है। ये फिल्म के लिए काम करने वाले सैकड़ों लोगों की मेहनत को खराब कर देता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें जनहित टाइम्स।